हेलो नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने मेरे घर पे जो शिवलिंग है उस पर कैसे कंटिन्यूस वाटरफॉल होते रहता है। ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, आप भी कर सकते हैं इजीली, ताकि ये करने से आपके घर पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मेरे घर का शिवलिंग है जिस पे कंटिन्यूस वाटरफॉल्स होते रहता है। आज मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करने वाला हूँ और थोड़ा डेकोरेटिव में भी सुधार लाने वाला हूँ, तो कृपया बने रहिए और देखते रहिए। ये सेटअप के लिए मेरे पास है फिश टैंक, कुछ ग्रेवल्स है इसमें, ठीक है, एक पॉट है छोटा सा, उसके अंदर एक्वेरियम सॉइल है, मनी प्लांट डाला हुआ था मैंने इसमें, ठीक है, एक्वेरियम का फिल्टर है, ये मेरे पुराने एक्वेरियम का है, ठीक है, इससे फिश को हार्म होता था तो मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है, और रॉक्स है, प्लेट है, और ये बैम्बू प्लांट है। और एक पानी की बोतल। तो अभी मैं ये सेटअप शुरू करूँगा, ठीक है, तो आप कृपया बने रहिए और पूरा सेटअप देखिए। पानी भर दूंगा।
देखिए पूरा बन गया है, वर्किंग कर रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। देखिए कितना प्यारा बन गया है ये, अभी एकदम बढ़िया। दोस्तों मैंने ये भी सुना है और मैं मानता हूँ कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो कृपया उस पर उसको जल अर्पण करें, ठीक है, और उसे सिर्फ ऐसे ही शोपीस के लिए ना रखें, ठीक है, क्योंकि ये कोई डेकोरेटिव का आइटम नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे घर में अपने रखना रखते हैं तो थोड़ा उसका आदर करें और उस पर जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।